दोस्तों आज हम जानेंगे पेनी स्टॉक क्या होता है। दोस्तों पेनी स्टॉक हम उन कंपनी के स्टॉक्स को कहते हैं जिनका स्टॉक प्राइस और मार्केट कैप दोनों बहुत कम हो। जनरली पेनी स्टॉक्स की मार्केट कैप 50 करोड़ रुपए से कम और शेयर प्राइस 10 रुपए से कम होता है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट करते वक्त कई लोग ये सोचते हैं कि 10 रुपए की शेयर 1000 रुपए की शेयर से सस्ता होता है, और यही सोचकर पेनी स्टॉक्स में बिना रिसर्च करे इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कोई भी शेयर अपने शेयर प्राइस से सस्ता या महंगा नहीं होता। एक शेयर 1000 रुपये का होकर भी सस्ता हो सकता है और एक 5 रुपये का होकर भी महंगा हो सकता है, और यह हमें कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस करके ही पता चल सकता है। पेनी स्टॉक में रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि छोटी और अनसुनी कंपनी में फ्रॉड और स्टॉक मैनिपुलेट बहुत आसानी से हो जाता है। इसीलिए पेनी स्टॉक में बिना रिसर्च करे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप एक पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंपनी के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करें, कंपनी के फ्यूचर गोल के बारे में समझें, और फिर आप वो स्टॉक बाय कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना पेनी स्टॉक क्या होता है और हमें इसमें इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या करना चाहिए। आप चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।